पंचायती राज चुनाव के 9वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी प्रत्याशी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बख्तियारपुर प्रखंड के चंपापुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी धर्मशिला देवी के पति सुनील कुमार ने मीडिया से खास बात काफी आपके साथ नजर आई। अंतिम दिन क्या कहेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत, 98%। विरोधियों के साथ भी भीड़ नजर आ रही है? अरे भीड़ आ रहे हैं उन लोग को, मतलब यहाँ पर होल है, दूसरा हवा उड़ा हुआ है। 40 मन 20 मन की कहानी होता है कि 2 मन खाने वाला मुखिया बनता है, वो सब विरोधी सब झूठ उठ के हवा फैलाते हैं। कई आप पे आरोप भी लगाए गए कि विकासमत कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अपने कार्य नहीं किया है। अच्छा, शौचालय का पैसा जाता है अकाउंट में, उससे वो क्या लेना देना है? और इंदिरा आवास का किसी भी तरह के कोई जनता से पूछ लीजिए, हमारे पास में एक शिकायत अगर मिलेगा, 1 रुपया लिए हैं तब दोषी ठहराइए। 5 साल आपकी पत्नी मुखिया रही, हमने भी क्षेत्र में काफ़ी देखा, विकासमत कार्यक्रम भी देखा आपके, लेकिन कुछ ऐसे कार्य योजना जो आपके 5 वर्षीय योजना में रह गए होंगे, उसके लिए अभी आप जब फिर से जनता आपको चुनकर भेजती है सदन में, चंपापुर पंचायत की मुखिया बना देती है, तो क्या जनता के लिए कौन ऐसे काम रखे हैं कि जो करेंगे? कुछ योजना पर एडवांस हुआ है, लेकिन आचार संहिता के कारण काम नहीं हो सका, वो काम होगा। विरोधी लोग की पैसा मतलब निकल गया, लेकिन पैसा नहीं सब निकला है, एडवांस के रूप में जो काम हुआ है और कुछ नहीं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप। ढोलक पे ताल लगाएंगे मतदाता? एकदम लगाएंगे, एकदम पूरे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील क्या करेंगे, हमने 5 साल काम किए हैं, अगर मन लाइक पर्सन लाइक काम किए तो जनता मेरे साथ में है, नहीं किए तो जनता छोड़ देंगे।